ओम साई राम। आज का साई उपदेश, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ के साई उपदेश और साई संदेश चैनल के माध्यम से ही आपके पास तक पहुंचाए जाते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आज के उपदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, इस युग में इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी को भी कष्ट किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे छोटे से स्वार्थ के कारण सामने वाले इंसान को कितना बड़ा नुकसान होगा, इस नुकसान से उसकी जान भी जा सकती है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में कितना पीछे हो सकता है, ऐसा स्वार्थ के कारण वो कुछ नहीं सोचता है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलता रहता है कि मुझे अपना स्वार्थ पूरा करना है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता तब तक वो रिश्तों से भी मतलब रखता है, और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो भूल जाता है कौन रिश्ता कैसा रिश्ता। उसके दिमाग में यही विचार आ जाते हैं, फिर वो भूल जाता है कि मालिक ने ये जो रिश्ते बनाए हैं ये 7 जन्मों से जुड़े हुए होते हैं, एक एक पल ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, एक एक पल किसके साथ व्यतीत होगा तुम्हारा, तुम्हें किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। परंतु वो स्वार्थ के कारण मालिक के बनाए हुए नियमों को भी तोड़ने लग जाता है, वो भूल जाता है कि एक सत्कर्म ही मेरे भविष्य में मुझे पार लगाएगा। परंतु वो भविष्य को भूल जाता है और वर्तमान में इतना खो जाता है, ना ही तो उसे अपनी चिंता रहती है ना ही सामने वाले की चिंता रहती है, उसे तो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। वो स्वार्थ के कारण किसी इंसान को मौत के घाट भी उतार सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, अपने स्वार्थ के कारण किसी को क्षति किसी को हानि पहुँचाने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि मेरे बच्चों आज तुम किसी को हानि पहुँचाओगे तो कल तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा शख्स आ जाएगा जो तुम्हें उस जगह से तोड़ देगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन तुम्हारे दिल के भाव उससे इतने मिल जाएंगे, वो तुम्हें कितनी भी क्षति पहुंचाता रहेगा परंतु तुम उससे दूर कभी नहीं जा सकते हो। इसलिए मेरे बच्चों, किसी को हानि पहुंचाने की तनिक भी कोशिश मत करो। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वही तत्व एक दिन एक तत्व में ही समा जाएंगे। हमारा शरीर अग्नि से भी मिलकर बना है और अंत में अग्नि में ही समाहित हो जाएगा। हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जाएगा, कोई धन दौलत पैसा कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ केवल हमारा व्यवहार हमारे कर्म ही जाएंगे। अब उनको तुम अच्छा कर लो या बुरा कर लो, अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छे की प्राप्ति होगी, अन्यथा बुरा करोगे तो बुरे की तो बुरा ही प्राप्ति होगी तुम्हें। तुम्हें इस जन्म बुरे की प्राप्ति बुरी ही होगी, और जो अगला जन्म होगा तुम्हारा उस जन्म में भी इस जन्म का तुम्हें सब कुछ भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगला जन्म तुम्हारा पूर्व जन्म का ऋणानुबंध होता है। जब तक तुम पूर्व जन्म का अगले जन्म से बदला नहीं चुका दोगे तब तक तुम आने वाले जन्म में
उन पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते रहोगे। इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, हर चीज़ पैसा धन दौलत कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने जब तुम्हें जन्म दिया है तो उन्होंने तुम्हारा लालन पालन भी लिख दिया है, तुम्हारे खाते में सब कुछ लिख दिया है उन्होंने, तुम्हें कितना खर्चा कितना पैसा सब कुछ मिलेगा, वही तुम्हारा पालन करेंगे और वही तुम्हें जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। अन्यथा तुम नहीं रहते हो ऐसे, तो फिर अगर तुम एक गलत कर्म की ओर चलते हो, अपने आप को अपने मन अपने आत्माओं को चलाते हो उस गलत कार्य की ओर, तो तुम्हारा मन तो दूषित होगा ही, तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र हो जाएंगी। भगवान के चरणों में जब इंसान मर जाता है, अपना शरीर त्याग देता है, तो भगवान के पावन और पवित्र चरणों में उसकी आत्मा ही जाती हैं। अगर आत्माएं उसकी पवित्र होती हैं तभी जाती हैं, अन्यथा आत्मा भी भगवान के करीब मरने के बाद शरीर छोड़ने के बाद नहीं जाती हैं, उनको वहीं से वहीं दूसरा जन्म मिल जाता है और वो जो चोला मिल जाता है, जब तक उस चोले की सांसें लिखी हुई होती हैं वो पूर्व जन्म के गलत कर्मों को अपने पूरे जीवन भोगता रहता है और पूरे जीवन भगवान को भी कोसता रहता है वो, भगवान मैंने क्या कर्म किए थे जो मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। वो भूल गया था कि तूने इतने गलत कर्म किए थे पूर्व जन्म में, वही आज तुझे सब कुछ भोगने के लिए मिल रहा है, अन्यथा तुझे नहीं भोगना पड़ता। तो सामने वाले को देखकर आज खुश होता है कि वो आज कितना सुखी है, वो कभी ना ही दान करता है, ना कभी किसी भूखे को खाना तक नहीं खिला सकता, खाना तो छोड़ो वो पानी तक नहीं पिला सकता है, फिर भी वो आज इतना सुखी है, ऐसा कैसे? आज वो सुखी है तो अपने पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वो आज सुखी है। उसने किया था कर्म अच्छे किए थे जो आज उसे भी सुख मिल रहा है, क्यों ना अगर तुम भी कर लेते तो तुम्हें भी अवश्य ही ऐसा ही सुख की प्राप्ति होती, परंतु तुम एक गलत राह पर चल पड़े थे और गलत कार्य को ही तुमने अपना परमपिता परमेश्वर मान लिया था। जिस तरीके से एक भक्त भगवान को पाने की लाख कोशिशें करता है और अंत में उनको पा ही लेता है, उसी प्रकार तुमने गलत कार्य को चुन लिया था और गलत कार्य करने के लिए तुमने लाख रास्ते बना लिए थे, तुम्हें सबने रोका सबने समझाया, परंतु तुम्हारे दिल और दिमाग में वही गलत कार्य अपना स्थान बनाए हुए थे, ना ही तो वो स्थान छोड़ना चाह रहे थे और ना ही तुमने उनको छोड़ने दिया था। तुम दोनों एक दूसरे में इतने समाहित हो गए थे कि ये तक भूल गए थे कि इसका फल जब हमें मिलेगा तो कैसा मिलेगा, क्या ईश्वर के सामने हम नजरें उठा पाएंगे, उनसे नजरें उठा के बात कर पाएंगे। जब ईश्वर हमसे एक एक पल का जवाब मांगेगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे, हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा उन्हें देने के लिए, और वो जहां चाहेंगे हमसे हमारी एक इच्छाएं भी नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि कौन सी हमने उनकी बात मानी थी, वो हमसे हमारी इच्छाएं नहीं पूछेंगे और वो हमें जिस भी योनि में डालना चाहेंगे वो हमें उसी योनि में डाल देंगे और हम फिर से अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब इंसान एक अच्छा कर्म करता है, जब इंसान अच्छा कर्म करता है, मृत्यु तो सबको आती है, अच्छे कर्म करने वाले को आती है, बुरे कर्म करने वाले को आती है, ये मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, तभी तो मेरा दूसरा नाम एक मौत है, मौत जीवन की सच्चाई है, तभी तो इस सच्चाई से कोई नहीं बच पाया है और ना ही कोई इस सच्चाई से बच पाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे राजा हो या महाराजा, हर एक को सच्चाई की गोद में एक दिन सोना ही पड़ेगा।
इंसान अच्छे कर्म कर लेगा तो उसे अवश्य ईश्वर की एक सच्चे कर्म की प्राप्ति होती है। जब इंसान सच्चे कर्म करता है और जब वो अपने प्राण त्यागता है तो ईश्वर जब उनसे अपना हिसाब मांगते हैं, मैंने तुझे किस कारण से भेजा था, क्या तूने वही कारण मेरा सिद्ध किया था, क्या तू मेरे बनाए हुए एक रास्ते पर भी चला था, अगर चला था तो मैं तुझे अवश्य ही तेरी इच्छा के ही अनुसार तुझे योनि दे दूंगा और इसी योनि से तुझे जन्म मिल जाएगा। अच्छे कर्म करने वाला इंसान भगवान को जवाब दे देता है और कह देता है हाँ मालिक मैंने ये कर्म किए थे, और मालिक उसके कर्म से खुश हो जाते हैं। जब मालिक उसके कर्म से खुश हो जाते हैं तो उससे भी उसकी इच्छाएं पूछी जाती है, क्या तुम्हारी इच्छा है फिर से मृत्यु लोक में जाने की, अगर है तो जा सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छाएं फिर से मृत्यु लोक में जाने की नहीं है तो तुम यही मेरे चरणों का सेवक बनकर रह सकते हो। ये तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूछते हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर जब तुम्हें जन्म देते हैं तो तुम जैसे चलते हो वो तुम्हें वैसे ही चलाते रहते हैं। तभी तो कहते हैं ईश्वर प्रत्येक प्राणी के साथ रहते हैं। प्राणी एक जब अच्छे कर्म की ओर चलता है तो मालिक उसका साथ देते हैं, उसे एक अच्छी राह पर चलाते हैं। अच्छी राह पर, एक सच्ची राह पर चलने में मुश्किलें जरूर आती हैं पर मालिक साथ नहीं छोड़ते हैं। एक जब इंसान एक गलत राह पर चलता है तो मालिक उसका भी साथ देते हैं, उसे गलत राह पर चलाते हैं। मालिक हर जगह हर एक प्राणी की रक्षा करते हैं, हर एक प्राणी का साथ देते हैं। मालिक मालिक किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करते, मालिक तो तुम पर ही निर्भर रहते हैं। जैसा तुम करना चाहते हो, जिस तरीके से तुम रहना चाहते हो और जहां तुम चलना चाहते हो वही तुम्हारी इच्छाओं को लेकर वो मालिक चलते रहते हैं। तुम्हारी इच्छाओं से कभी विरुद्ध नहीं जाते, तुम्हारे विरुद्ध नहीं जा सकते कभी ईश्वर। ईश्वर तुम्हें एक नहीं कई रास्ते देते हैं, तुम्हारा एक रास्ता अवश्य बंद हो जाता है परंतु उसके साथ ईश्वर अनेक रास्ते खोल देते हैं। इतनी सद्बुद्धि भी तुम्हें देते हैं कि उन रास्तों को तुम पहचान सकते हो परंतु तुम एक अंधकार के आगे, तुम्हारी आंखों के आगे गलत कर्म का इतना बड़ा पर्दा डल चुका होता है जो तुमने स्वयं डाला होता है। उस अंधकार के पर्दे में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है तो तुम्हें एक गलत राह और एक गलत कर्म तुम्हें दिखाई देते हैं और वही तुम्हें लगते हैं कि यही मेरी जीत दिलाएंगे। तुम सब कुछ भूल बैठे हो मेरे बच्चों, मत करो किसी को गिराने की कोशिश, हो सके तो मदद करने की कोशिश करो। ईश्वर तुम्हारी मदद खुद करने आ जाएंगे, ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, उनको जहां जैसे जो जिस भाव से पुकारता है वो वहीं हाजिर हो जाते हैं। ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते और तुम्हें तो उन्होंने खुद अपनी भक्ति दी है और तुम्हें खुद इतना नसीब वाला बनाया है उन्होंने कि अपने चरणों का दास बना के रखा है। तुम उनके चरणों में रहते रहते भी ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि जो ईश्वर की मैं भक्ति कर रहा हूँ, जिस ईश्वर ने मुझे भक्ति दी है उसकी नजरों में मैं ऐसे कर्म करके गिर रहा हूँ। तुम एक साइड भक्ति कर रहे हो, एक साइड किसी को गिरा रहे हो और दूसरी साइड वही तुम दूसरे के माल को हड़पने की कोशिश कर रहे हो और वही तुम अपने हृदय में दूसरे के प्रति इतने गंदे भाव रख के बैठे हो कि ये मेरे से ऊंचा ना हो जाए, इसके घर में इतनी तरक्की इतना विकास कैसे आज मेरे पास क्यों नहीं है, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। क्या तुम ये भूल जाते हो कि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ खुशी नहीं होती और जहाँ खुशी होती है वहाँ ईश्वर नहीं होते।
क्योंकि ईश्वर का ही दूसरा नाम सच्चाई और एक खुशी होता है। खुशी ईश्वर के ही बोला जाता है और ईश्वर हमेशा वहीं वास करते हैं जहाँ उनका भक्त होता है, जहाँ एक सच्चे रिश्ते होते हैं, प्यार होता है, एक परिवार में एकता होती है, वहाँ ईश्वर अवश्य जाते हैं। और वहाँ जाने के लिए ईश्वर इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो पल पल उस जगह आते जाते रहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय को ईश्वर अपना घर बना लेते हैं और घर में ना जाने ना जाए बिना कौन रह सकता है? क्या ईश्वर रह सकते हैं? ईश्वर कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर ने उसके हृदय को अपना घर बना रखा है। क्यों ना तुम भी ऐसे कर्म करो जो ईश्वर तुम्हारे भी हृदय को अपना घर बना ले, अपने हृदय को इतना पाक और पवित्र कर लो मेरे लाडलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम एक सच्चाई के पथ पर चलो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, बस तुम चलते चलो चलते चलो, मैं तुम्हें अवश्य चला रहा हूँ मेरे बच्चों, मुझ पर कोई शंका मत करो, मैं तुम्हें अपने होने का एहसास भी कराता हूँ। और तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे हाथों में हाथ देखो, मेरे हाथों में अपना हाथ डाल के देखो, क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं रखा? अगर नहीं पकड़ रखा तो तुम यहाँ तक कैसे आ गए? अगर तुम यहाँ तक अपने बलबूते पर आ चुके हो तो आगे भी जा सकते हो, ना तो फिर क्यों पुकार रहे हो मुझे? क्योंकि यही सच्चाई है कि मैं ही तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ और मैं ही तुम्हें आगे भी लेके जाऊंगा। मुझ पर शक और शंका मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मुसीबतों से लड़ने के लिए हौसला मैं ही दे रहा हूँ, तुम्हें अन्न दाना मैं ही दे रहा हूँ, मेरी ही वजह से आज तुम जीवित हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपने पास बुला सकता हूँ, जब चाहूँ मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर छोड़ सकता हूँ, परंतु तुम मेरे एहसानों को भूल जाते हो और सिर्फ एक ही बात याद रखते हो, तुम सिर्फ एक ही बात याद रखते हो कि मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी नहीं की। क्या वही इच्छा तुम्हारे जीवन में काम आएगी? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी अहमियत नहीं रखता हूँ जो मुझसे हर बार उसी इच्छा को लेके लड़ते हो? अरे मैंने तुमसे कह दिया है ना, मैं तुम्हें मझधार में नहीं छोड़ूंगा। मझधार तो क्या, मैं तुम्हें जब किनारे पर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें तभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये फकीर एक बार जिसका हाथ थाम लेता है, जन्मों जन्म तक उसका हाथ नहीं छोड़ता। इस फकीर में एक यही खास है कि ये जिसका हो जाता है उसको अपने आप से कभी दूर नहीं होने दे।